कर दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस एग्रीकल्चर द न्यू वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संबल कार्ड के बारे में। संबल कार्ड दोस्तों एक बहुत ही प्यारी योजना है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के लिए बहुत सारी सुविधाएं लेकर आती है। तो चलिए जानते हैं आपको कैसे संबल कार्ड बनाना है और आप कैसे उसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमें हमारा कोई भी एक ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे संबल 2.0। इसके बाद में आपको इंटर प्रेस कर देना है दोस्तों। सबसे पहले आपका संबल योजना का पोर्टल खुल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में हमें इंटरफेस मिलेगा जिस पर हम आवेदन करेंगे। यहाँ पर आवेदन करने से पहले दोस्तों जानते हैं कि संबल कार्ड क्या है और इससे हमें क्या क्या सुविधाएं या लाभ मिलेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की पहल पर राज्य के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना प्रारंभ की गई थी। योजना अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता 5,00,000 रुपये, सामान्य मृत्यु सहायता 2,00,000 रुपये, दुर्घटना मृत्यु सहायता 4,00,000 रुपये, आंशिक दिव्यांगता के रूप में होने पर 1,00,000 रुपये एवं स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना 2,00,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। दोस्तों, योजना में सरलीकरण तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना तथा पोर्टल का शुभारंभ 16 मई 2022 को किया गया है। नवीन पंजीयन तथा पूर्व में अपात्र किए गए श्रमिकों को पुनः पंजीयन हेतु आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। दोस्तों, ये तो हो गया इसके बारे में जानकारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं संबल योजना के लाभ यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसे बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन, दुर्घटनाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य बीमा, तय सीमा तक बिजली बिल में की माफ़ी, बेहतर कृषि उपकरण के लिए प्रदान करना, अंत्येष्टि सहायता प्रदान करता और निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल करना, ये सारे लाभ हमें संबल कार्ड में मिलने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों और भी ऑप्शन दिए गए हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं कि हमें कैसे इसमें अपन आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको सबसे टॉप में ऊपर की ओर जाना है और यहाँ पर आप पंजीयन हेतु आवेदन करने पर क्लिक करेंगे। पंजीयन हेतु आवेदन करने पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में समग्र आईडी और परिवार आईडी ये फिट करने के लिए बोलेगा। समग्र आईडी में दोस्तों हमें हमारी सदस्य आईडी डालनी है, जो भी आपकी सदस्य आईडी है, और परिवार आईडी में दोस्तों आपका परिवार आईडी नंबर क्रमांक डालना है। इसके बाद में कैप्चा फिट करना है और समग्र खोजे पर क्लिक करना है। समग्र खोजे पर क्लिक करने के बाद में एक KYC उपलब्ध नहीं है तो KYC करने के लिए आगे प्रस्थान करने पर ओके करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें हमारा आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना है। OTP के लिए दोबारा से हमें इसको मोबाइल नंबर को इसमें फीड करना है। ये पूछ रहा है दोस्तों, डू यू वांट टू अपडेट मोबाइल नंबर इन समग्र, देन एस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें हमारी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर इंटर करना है। जो भी हमारे पास OTP आया होगा हमें वो OTP यहाँ पर फीड करना है। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से KYC है आपकी, तो यहाँ पर आपके लिए ये प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा आगे के पेज पर चले जाएंगे। हमारे पास में मैसेज आ चुका है दोस्तों, लिंक OTP आ गई है। हम OTP इसमें फीड करेंगे, देन कैप्चा डालेंगे, देन प्रमाणित करें और आधार KYC प्रारंभ करें पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों,
अब हमसे महत्वपूर्ण सूचना के रूप में बताया जा रहा है, अपने समग्र आईडी के साथ आधार को सीट कर सकते हैं, ईकेवाईसी के माध्यम से जन्मतिथि लिंग में परिवर्तन हेतु सीधे अनुरोध कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण सूचना भी यहाँ पे दी गई है, इसको सारी कुछ को आपको पढ़ लेना है। कृपया आधार नंबर, महत्वपूर्ण सूचना में देखते हैं दोस्तों, कृपया आधार नंबर प्रविष्ट एवं सत्यापन सावधानी बरतें। तो ये इसके बारे में बता गया है कि अगर आप कुछ गलत फीड करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। तो हम हमारा आधार नंबर फीड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि हम फिंगर के थ्रू आधार सीट करना चाह रहे हैं या फिर ओटीपी के थ्रू। अभी हम ओटीपी के साथ जा रहे हैं, कैप्चा फीड कर कर हमें रिक्वेस्ट ओटीपी फ्रॉम आधार से क्लिक करना है। हमारे पास फिर से ओटीपी आ गया है। देन हम फिर कैप्चा इंटर करेंगे, ईकेवाईसी करें पर हम क्लिक करना है। योर आधार नॉट सीटेड विद योर समग्र आईडी, प्लीज ट्राई अगेन। ये देखिए दोस्तों, योर आधार सीडेड सक्सेसफुली विथ योर समग्र आईडी, नाउ अपडेट योर डिटेल्स। यहाँ पर दोस्तों अब हमारा आधार जो है हमारे समग्र आईडी के साथ सीड हो चुका है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम हमारे नाम, जन्मतिथि, लिंग समग्र में आधार के अनुसार करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद में हमें फिर से कैप्चा फीड करना है। देन अपडेट योर नेम, जेंडर एंड DOB एज पर आधार इन समग्र, इस पर क्लिक करना है। प्रिय आवेदक, आपकी KYC जानकारी प्राप्त हो गई है, परंतु मोबाइल पंजीयन अपूर्ण है, कृपया अपनी जानकारी प्रविष्ट कर पंजीयन पूर्ण करें। तो जो भी हमारा इसमें छूट रहा है वो हमें इसमें पूर्ण कर देना है। दोस्तों ये देखिए हमारा नाम आ गया है, माता का नाम आ गया है। दोस्तों ये हमारा पोर्टल आ गया है जहाँ से हम संबल कार्ड हमारा बना पाएंगे। तो इसमें दोस्तों हमारी पूरी जानकारी यहाँ पर आ गई है। अब नीचे हमें अन्य विवरण में आना है, यहाँ श्रमिक का प्रकार लिखना है, जैसे असंगठित श्रमिक हैं, तेंदुपत्ता संग्राहक हैं या विमुक्त हैं या घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति हैं, तो इसमें हमें सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम असंगठित श्रमिक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी पढ़ाई के बारे में पूछा जाएगा, आप क्या हैं, स्नातक किया है, स्नातकोत्तर किया है, हाई सेकेंडरी है, मिडिल है या हाई स्कूल तक आपने पढ़ाई करी है, तो वो सारी जानकारी यहाँ पर देना है। दोस्तों फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर व्यवसाय चुनने के लिए। तो अभी यहाँ पर हम कृषि नियोजन में सम्मिलित हैं या दुग्ध उद्योग में, डेयरी मुर्गी पालन, पशुपालन में नियोजन है, मछली पालन में है, वानिकी में है, या जो भी आप जिस काम के लिए अपना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद में हमको व्यवसाय में नियोजित कार्य दिवस यहाँ पर शो करना है कि इस वर्ष हमने कितने दिन काम किया है, हम इसको दर्शा सकते हैं। क्या आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर सूचना प्राप्त करना चाहेंगे? अगर आप करना चाहते हैं तो एस पर क्लिक करेंगे अथवा नो पर क्लिक करेंगे। अगर आयकर दाता हैं तो हाँ पर, नहीं है तो ना पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आप आयकर दाता हैं तो वैसे भी आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ये दूसरा पॉइंट आता है, मेरे अथवा मेरे पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। इसमें अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा आपके पास भूमि है तो हाँ क्लिक करेंगे अथवा नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपका समग्र आईडी, परिवार आईडी, आपके नॉमिनी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें तीन कंसेंट टिक करने हैं यहाँ पर। इसमें पहला है कि मैं घोषणा करता हूँ कि असंगठित क्षेत्र में संलग्न बिंदु में नियोजित हूँ तथा जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन की पात्रता रखता हूँ। मैं अथवा मेरे पति पत्नी किसी सरकारी नौकरी या ऐसे नियोजन में कार्यरत नहीं है जिसमें सामाजिक सुरक्षा लाभ तथा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रेजुटी आदि प्राप्त हो रहे हों। मैं शपथ करता हूँ कि शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। इसके बाद में दोस्तों हमें आवेदन संरक्षित करें पर क्लिक करना है। एक और आप व्हाट्सएप पर अगर जानकारी चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमें व्हाट्सएप नंबर फीड कर देना है। आवेदन संरक्षित करें पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर योजना अंतर्गत आपका आवेदन जमा कर लिया गया है, आपका आवेदन क्रमांक है। इस आवेदन क्रमांक को दोस्तों हमें जल्दी से नोट कर लेना है क्योंकि ये जल्दी से स्किप हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप अपना कार्ड बना पाएंगे। अब आवेदन की स्थिति पर आप क्लिक कर लेंगे। एक दो दिन बाद जितना समय आपको इसमें देना है, इसके बाद में आप समग्र आईडी इसको सर्च कर सकते हैं कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है और आपका संबल कार्ड बन जाएगा। दोस्तों मेरा आपसे एक ओपिनियन है कि आप इस कार्ड को अगर हितग्राही हैं आप तो ज़रूर से ज़रूर बनवा लें। अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर चले जाएं या फिर आप अपने मोबाइल के थ्रू भी इसको बना सकते हैं। उसके बारे में हम आगे की वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेबल वीडियो बनाते हैं। तो आगे फिर मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय श्री राम।